वेलकम व्यूवर्स माई नीमी दर्शन एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन व्यूवर आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ आर्किमिडीज प्रिंसिपल द फिजिकल लॉ ऑफ ब्यूंसी इज गिवन बाय ग्रीक मैथमेटिशियन एंड इन्वेंटर आर्किमिडीज आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट दैट द अपवर्ड बॉइंट फोर्स दैट एक्सट्रेक्टेड ऑन अ बॉडी इमर्ज इन अ फ्लूइड वेदर फुली और पार्शियली इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूड दैट बॉडी डिसकमिजस प्रिंसिपल के मुताबिक कोई भी बॉडी जो कि फ्लूड के अंदर पार्शली या फुली इमर्ज हो यानी कि डूबी हुई हो उसके ऊपर बॉइंट फोर्स सप्लाई होती है जो कि वेट ऑफ फ्लूड के इक्वल होगी दैट बॉडी डिस्प्लेस्ड, जिसमें बॉडी डिसप्लेसड हो वेन एन ऑब्जेक्ट इज पार्शली आर फुली इमरजड इन आर लिक्विड द अपेर लॉस ऑफ वेट इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड दैट बॉडी डिस इट कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि लिक्विड के अंदर पार्शली या फुली इमर्ज हो यानी कि डूबा हुआ हो तो उसके अंदर लॉस ऑफ वेट इक्वल होगा वेट ऑफ लिक्विड के इक्वल जिसमें वो डिस्प्लेस्ड है अपीर वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस थ्रस्ट फोर्स इसको हम डिटेल में देखते हैं ये डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि बाई वेट पानी के अंदर डूबने की कोशिश करता है जबकि बॉइंट फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट पानी की सरफेस पर तैरने की कोशिश करता है यानी कि बाहर की तरफ मूव करता है एकदस प्रिंसिपल का फार्मूला है हमारे पास एफ़ इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय वालीम रो हमारे पास डेंसिटी ऑफ फ्लूड है वी हमारे पास सब मज है और जी हमारे पास एक्सलारेशन ड्यू टू ग्रेविटी है फॉर एक्जाम्पल इफ़ वी हैव एन ऑब्जेक्ट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ फाइव के जी वाटर पॉट एंड वेट मजरिंग स्केल व्यवर्स मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट हमारे पास फ़ाइव के जी है हमारे पास वाटर पॉट यानी कि बर्तन और वेट मेजरिंग स्केल है वी हैंग द ऑब्जेक्ट फाइव के जी वेट विद वेट मेजरिंग स्केल नो वेट मेजरिंग स्केल शोइंग फाइव के जी तो हम इस ऑब्जेक्ट को वेट मेजरिंग स्केल के साथ हैंग करेंगे तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि वेट मेजरिंग स्केल फाइव के जी शो कर रहा है वी फिल द पॉट विद वाटर एंड वी विल पुट दिस ऑब्जेक्ट इन द वाटर वी विल सी वेट मेयरिंग स्केल शोइंग थ्री के जी ड्यू टू बॉन्सी तो हम इस पॉट यानी कि बर्तन के अंदर वाटर को फिल करेंगे और इस ऑब्जेक्ट को वाटर के अंदर पुट करेंगे तो so, अब हम देखेंगे कि वेट मेयरिंग स्केल थ्री के जी रीडिंग को शो कर रहा है क्योंकि इस पे बॉइंट फोर्स और बीनसी अप्लाई हो रही है नो वी कम्प्लीट फिल द पॉट विद वाटर एंड वी पुट अगेन दिस ऑब्जेक्ट विद वेट मजरिंग स्केल अब हम इस बर्तन को पानी के साथ हंड्रेड परसेंट फुल कर देंगे और इस ऑब्जेक्ट को दोबारा इस वाटर फील्ड पॉट के अंदर डालेंगे वेन वाटर ओवरफ्लोज एंड दिस वाटर वी विल कलेक्ट इन एन अदर पॉट एंड वेन वी मयर द वेट ऑफ दिस वाटर दिस वेट ऑफ वाटर एंड द रीडिंग ऑफ वेट मयरिंग स्केल इज सेम तो जब हम इस ऑब्जेक्ट को वाटर के अंदर डालेंगे तो वाटर ओवरफ्लो करेगा अब हम इस ओवरफ्लो वाटर को दूसरे पॉट के अंदर कलेक्ट करेंगे और जब हम इस वाटर का वेट करेंगे तो इस वाटर का वेट और वेट मयरिंग स्केल जो लॉस ऑफ वेट होगा वो सेम होगा इसको हम जरा डिटेल से देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका वेट फाइव के जी है तो इस फाइव के जी ऑब्जेक्ट को हम वेट मेजरिंग स्केल के साथ हैंग करेंगे तो वेट मेजरिंग स्केल फाइव के जी रीडिंग शो कर रहा है तो जैसे ही हम इस ऑब्जेक्ट को वाटर के अंदर पुट करते हैं तो वेट मेजरिंग स्केल की जो रीडिंग है वो थ्री के जी शो करना शुरू हो जाएगी क्योंकि बॉइंट फोर्स या फिर ब्योन्सी इस पर अप्लाई हो रही है तो ऑबजेक्ट को वाटर के अंदर पुट करने की वजह से जो हमारे पास वाटर ओवरफ्लो होगा इसको हम अनदर पॉट के अंदर कलेक्ट करेंगे और जब हम इसका वेट करेंगे तो इस वाटर का वेट और वेट मईरिंग स्केल पे जो हमारे पास वेट का लॉस हुआ था यानी कि टू के जी वो दोनों की रीडिंग सेम होगी हमारे पास प्रिंसिपल समरी बनेगी अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्व डिस्प्लेस्ड लॉस ऑफ वेट इज इक्वल टू रियल वेट माइनस अपियर एंड वेट लॉस ऑफ वेट हमारे पास टू के था रियल वेट हमारे पास ऑब्जेक्ट का फाइव के जी था और अपीयर वेट हमारे पास जो रीडिंग ऑब्जेक्ट को वाटर के अंदर पुट करने के बाद मिली वो हमारे पास थ्री के जी थी तो इसी तरह हमारे पास टू के जी इज इक्ल टू टू के जी होगा यानी कि अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड लास्ट में हम एग्जाम्पल देखते हैं इफ़ वी हैव अ स्टील बॉल विच हैज़ रेडियस सिक्स सेंटीमीटर इमर्ज इन वाटर देन कैलकुलेट फोर्स फार्मूला हमारे पास हैफ इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाई बाई ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाई वॉलीम रो हमारे पास डेंसिटी ऑफ वाटर है वन थाउजेंड के पर मीटर क्यूब ग्रेविटी हमारे पास नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्केयर और वालीम हमने फाइंड आउट करना है तो रेडियस ऑफ स्टील बॉल इज इक्वल टू हमारे पास सिक्स सेंटीमीटर है इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास जीरो पॉइंट जीरो सिक्स मीटर निकल आएगा वालीम का फार्मूला हमारे पास वालियम इज इक्वल टू फोर डिवाइडेड बाई थ्री पाई आर क्यूब फोर डिवाइडेड बाई थ्री पाई की वैल्यू हमारे पास थ्री पॉइंट वन फोर है और रेडियस हमारे पास जीरो पॉइंट जीरो सिक्स क्यूब है तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास नाइन पॉइंट जीरो फाइव मल्टीप्लाई बा टेन लिस्ट माइनस फोर मीटर क्यूब निकल आएगा तो आकमिदस प्रिंसिपल फार्मूला अप्लाई करने के बाद हम वैल्यूज पुट करेंगे तो फोर्स हमारे पास एट पॉइंट एट सेवन न्यूटन निकल आएगी व्यूवर यह था आज का लेक्चर थैंक्स फॉर वॉचिंग